एक्सरसाइज टॉट इट रेग्रेटेड दैट पाकिस्तान वाज सिग्नेटरी टू द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स 205 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वाज सपोज्ड टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 42% टू 15%, बट डिफॉरेस्ट्रेशन वाज कंटिन्यूइंग एपस इन नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, मरगला हिल्स ऑफ इस्लामाबाद, पंजाब एंड बलूचिस्तान, इन पार्टिकुलर द रिवराइन फॉरेस्ट ऑफ सिंध, आर कंटिन्यूसली फेसिंग सच थ्रेट्स अंडर द नोज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. द पिटिशन कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्गेनाइज्ड डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट. ए नेशनल फॉरेस्ट कमीशन कुड ऑल्सो बी सेट अप ऑन परमानेंट बेसिस अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन पर्पस. द पिटिशन ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू रिस्ट्रेन द सिंध गवर्नमेंट फ्रॉम लीजिंग फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट और लोकल लैंड लॉर्ड्स और पोलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन. इट ऑल्सो इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टूवर्ड्स द डिफॉरेस्ट्रेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ सिंध. एक्सरसाइज टॉट इट रेग्रेटेड दैट पाकिस्तान वाज सिग्नेटरी टू द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स 205 of the United Nations and was supposed to increase forest cover from 42% to 15%, but deforestation was continuing apace in northern areas, Azad Kashmir, Margala Hills of Islamabad, Punjab and Balochistan in particular. The riverine forest of Sindh are continuously facing such threats under the nose of the Forest Department. The petition called for constitution of a judicial commission to investigate the organized deforestation or degradation of forest. A National Forest Commission could also be set up on permanent basis under the supervision of the Ministry of Climate Change for monitoring and conservation purpose. The petition also requested the court to restrain the Sindh government from leasing forest land to private or local landlords or political influential person. It also invited the attention of the court towards the deforestation of mangrove forest on the coast of Sindh.